hello learners welcome back to my youtube channel today we will discuss about the 7th worksheet from your economics book chapter 2 people as resource but before starting our today's video students uh, if you don't subscribe my channel yet then please subscribe my channel और उस लाल सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्टेड आर टूडेज वीडियो पीपल कैसे रिसोर्स हैं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिसोर्स होते क्या हैं एवरी थिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज हमारी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो सब रिसोर्सेस हैं वो चाहे लैंड हो ट्रीज हो, एयर हो वाटर हो बिल्डिंग्स हों या फिर ह्यूमन ह्यूमन खुद में भी एक रिसोर्स है आपने अपने एट्थ क्लास में एक बहुत अच्छा डायग्राम देखा होगा जिसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि रिसोर्सिस कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें इमेज uh, के साथ बताया गया है फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सिस सेकेंड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज तो ह्यूमन जो है वो खुद में भी एक रिसोर्स हैं अब ये जो सब है अब इसके अंदर जैसे लैंड है लैंड क्या होती है लैंड एक फिक्स्ड है उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते उसमें एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हमारी लैंड डिक्रीज़ हो रही है उसका पोर्शन कम होता जा रहा है कुछ वेस्ट लैंड है उसको हम जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इरिगेशन सिस्टम से एग्रीकल्चरल लैंड में बट वो बहुत ही कम चांसेस हैं उसके बाद कैपिटल है कैपिटल दो तरीके की होती है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मशीन टूल्स बिल्डिंग्स ये सब होती हैं और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी ठीक है ये वर्किंग कैपिटल होती है तो लैंड हो गई कैपिटल हो गई और प्रोडक्शन के और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं क्या ये खुद को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं नौ no. इन्हें कौन कंज्यूम करता है जितने भी रिसोर्सेस हैं कंज्यूम कौन करता है ह्यूमन बीइंग सारे संसाधनों का सारे रिसोर्सेस का यूज़ कौन करता है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन जो है इन रिसोर्सेस को कन्वर्ट करता है किसी भी वस्तु को बहुत सारी सोर्सेज का इस्तेमाल करके और उसके पास दो बहुत ही पावरफुल आप ये कह सकते हो टूल्स हैं जो किसी भी वस्तु को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं और वो है नॉलेज और उसकी स्किल इनके लिए वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का भी यूज करता है एंड द स्किल ऑफ ह्यूमन एंड देर इनहेरेंट नॉलेज एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस या ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स के अंदर टैलेंट होता है स्किल्स होती हैं जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द रिसोर्सिस क्योंकि जब तक ह्यूमन नहीं होगा बाकी किसी भी रिसोर्स का यूज़ नहीं होगा पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेस ट्रेनिंग इन सब के जरिए हम पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकते हैं और जापान इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एज़ यू नो स्टूडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोसीमा और नाकासकी जापान के दो शहर थे जिनके ऊपर ब्लास्ट किया था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जापान जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था और उसने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था बट जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था तो उन्होंने अपनी ह्यूमन अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करके एजुकेशन से बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको ट्रेनिंग दे करके के अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया और वो पॉपुलेशन अब एक वर्किंग ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो गई है वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं जिसकी वजह से जापान जो है आज एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल है तो जापान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर दैट जब इन सब चीज़ों से इन्वेस्ट करते हैं हम एजुकेशन में हेल्थ सर्विसेज में स्किल डेवलपमेंट में तो हमारी जो क्वालिटी है लेबर्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है उसके बाद आती है वर्किंग पॉपुलेशन और सॉरी uh, उससे हमारे साथ हमारी इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और जिससे हमारी नेशनल इनकम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अब नेशनल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम एक मॉनेटरी वैल्यू होती है एक देश में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों में उनकी क्या कीमत है ठीक है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं तो हमारी नेशनल इनकम भी इम्प्रूव हो जाती है नेक्स्ट आता है हमारा वॉकिंग पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन कंट्री की है उसमें से वॉकिंग यानी कि 15 ईयर्स से लेकर के 59 नाइन ईयर्स के जो पीपल होते हैं उसको हम वॉकिंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं यानी ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी सिक्स टू फोर्टीन ईयर तक ही एजुकेशन कंपलसरी की गई है उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप काम करने के और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जो है कि रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो सिक्सटी ईयर्स है साठ साल होने के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि जो वो पीपल हैं वो काम नहीं कर पाएंगे तो उसको भी हम वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं करते हैं जो सिक्सटी या सिक्सटी से अबो होते हैं तो फिफ्टीन ईयर्स टू फिफ्टी नाइन ईयर्स के जो बीच के लोग हैं केवल वही वर्किंग पॉपुलेशन होती है आफ्टर दैट दिस इज दर्कशीट एंड नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वाई आर ह्यूमन कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन ह्यूम जो हैं वो उत्पादन के सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कैसे होते हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल से आप क्या समझते हैं वट इज वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यशील जनसंख्या क्या होती हैं हाउ डू द स्कूल्स हॉस्पिटल्स कॉलेजेस एंड गुड पब्लिक फैसिलिटीज़ अफेक्ट आर लाइफ पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई वो फैसिलिटीज़ जिसे सोसाइटी के सारे लोग इक्वली कंज्यूम करते हैं इक्वली उनका यूज़ करते हैं तो विद्यालय हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए और जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो किस प्रकार आपकी लाइफ को प्रभावित करती हैं अफ़ेक्ट करती हैं एंड आपको एग्जाम्पल अपने चारों तरफ का कोई एग्जाम्पल देकर के इसको शो करना है डज द इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन इज सेम एज़ द इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल किसी जनसंख्या में निवेश करना क्या वैसा ही है जैसे हम लैंड या कैपिटल में निवेश करते हैं सपोर्ट योर आंसर्स विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के जरिए इस अपनी बात को प्रूव करना है सो दैट्स ऑल फॉर आर टूडेज वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट विच वी एक्सप्लेन इन आर टूडेज़ वीडियो यू कैन आस्क मी यू कमेंट मी If you like my videos then share with your friends and subscribe my channel don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video thanks for watching stay safe stay home stay healthy